हेलो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही चटपटे सांभर बनाने जा रहे हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे और फिर राई डालेंगे और उसमें दो चुटकी हींग डालेंगे और उसमें 3 से 4 कटा हुआ प्याज डालेंगे। और सब्जी आप अपने मनपसंद ले सकते हैं, हमने गाजर और कद्दू ली है, आपको जो भी सब्जी पसंद हो उसे ले सकते हैं। इसमें नमक डाल के 2 से 3 मिनट तक भून देंगे। मैं करी पत्ता भूल गई थी इसलिए पीछे से डाल रही हूँ, आप जब सरसों डालें उसी समय डाल दें करी पत्ता। ये देखिए सब्जी हमारी अच्छे से भून चुकी है। अब हम इसमें 2 से 3 टमाटर काट के डालेंगे और इसे भी गलने तक अच्छे से पका लेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम इसे भून के 2 से 3 मिनट और पका लेते हैं। ये देखिए सब्जी हमारी अच्छे से भून चुकी है। अब हम इसमें कुछ सूखे मसाले मिलाएंगे, जैसे धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और सांभर मसाला। हमने MDH का सांभर मसाला लिया है, आप जो यूज करना चाहें कर सकते हैं। ये देखिए मसाला भी हमारे अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें अरहर दाल मिलाएंगे, जिससे कि हमने 2 से 3 सीटी लगाकर अच्छे से पका लिया है। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक मिला देंगे और थोड़ा सा इमली का पल्प डालेंगे और चीनी डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच। पानी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं, जैसा आप खाना चाहते हैं। ये देखिए हमारा सांभर तैयार हो चुका है।